केंद्र सरकार का फैसला, संविधान के कत्ल का दिन हर साल 25 जून को मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में इमरजेंसी की मुखालिफत करने वाले लोगों के संघर्ष और उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र के गृह मंत्रालय ने जुमा को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि उस वक्त हुकूमत ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू करके अपने ताकत का गलत इस्तेमाल किया था और जनता पर जुल्म ढाए गए थे। अब हुकूमत ने इमरजेंसी के दौरान लड़ने वाले लोगों के त्याग और योगदान को याद करने और इन्हें श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। केंद्र के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नोटिफिकेशन शेयर करके सरकार के फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही की सोच को जाहिर करते हुए देश में इमरजेंसी लागू कर भारत के लोकतंत्र की रूह का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बगैर किसी वजह के जेलों में डाला गया और मीडिया की आवाज़ को दबाया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान के कत्ल का दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। यह दिन हमें उन तमाम लोगों के बेपना त्याग और योगदान को याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 की इमरजेंसी के गैर इंसानी दर्द को बर्दाश्त किया है, कहा अमित शाह ने।